ये कहानी बेन और मिकी नाम के दो लड़कों पर है, जिनको छोड़कर इस दुनिया के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये दोनों इस दुनिया में लास्ट तक कैसे सरवाइव करते हैं, ये देखकर आपको बहुत मजा आएगा। इस दिलचस्प मूवी के डायरेक्टर जेरेमी गार्डनर है, जिन्होंने ऐसी ना जाने कितनी शानदार मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैटरी। कहानी की शुरुआत मिकी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो एक घर के सामने खड़ा होता है। तभी अचानक बेन नाम का एक आदमी उस घर के अंदर से भागता हुआ आता है और घर की तरफ गोली चलाते हुए कहता है कि भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो। मिकी भी उसके साथ भागने लगता है। यहाँ अब हमको पता चलता है कि एक अपोकलिप्स की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ज़ॉम्बी बनने से बचे हुए लोगों में ये दोनों भी होते हैं। इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये दोनों बेसबॉल प्लेयर्स भी हैं। इनमें से बेन एक ऐसा बंदा है जो इस सिचुएशन में रहना सीख चुका है और वो हर वक्त कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ना चाहता है। वहीं मिकी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इस सिचुएशन में भी कहीं एक जगह पर रुककर रहना चाहता है और अगर कहीं पर भी ज़ॉम्बी दिखता है तो उसको बेन ही मारता है, क्योंकि मिकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ज़ॉम्बी को मार पाए। वो बस हर वक्त गाने सुनता रहता है। एक दूसरे से इतने अलग होने के बाद भी ये एक दूसरे के साथ में है। ये दोनों अपना टाइम पास कभी बेसबॉल खेलते हुए करते हैं तो कभी किसी नदी में पत्थर मारकर। वहीं अगर इनको किसी चीज की जरूरत होती है तो ये खाली घरों में जाकर अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन इनको एक गाड़ी मिलती है जिसमें से एक ज़ॉम्बी लड़की इनकी तरफ बढ़ने लगती है। बेन बिना किसी देरी के उसको गोली मार देता है और बेन उस गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है। जहाँ पर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है। इसीलिए ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये बस पैदल ही चल रहे थे। गाड़ी में बैठकर मिकी बेन से उसकी गर्लफ्रेंड के घर चलने को कहता है, जिसके बाद यहाँ से दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के घर चले जाते हैं। जहाँ पहुँचकर मिकी को पता चलता है कि वो लड़की तो कब की मारी गई है। मिकी उसके रूम में जाकर उसको याद करने लगता है। सामने शीशे पर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी लगी होती है। वो उन फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाता है और वहीं बैठकर उसको याद करने लगता है। उसकी याद के तौर पर मिकी उसकी फोटो और उसके कुछ कपड़े रख लेता है। वहीं नीचे बेन इस घर से अपने काम की चीजें ढूंढने लगता है। उसे यहाँ से दो वॉकी टॉकी, एक पेट्रोल कैन, एक कुर्सी मिलती है जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। वहीं मिकी को एक टूथपेस्ट मिलता है जिससे वो दोनों अपने दांत साफ करते हैं। इतने में ही बेन देखता है कि इस कार में तो दो लोगों की सोने की जगह भी है। ये दोनों कार में सोने के लिए कुछ चीजें डाल देते हैं। मिकी बेन से अब यहीं रुकने को कहता है, जिस पर बेन उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार हम 3 महीने तक ज़ॉम्बीज की वजह से एक घर के अंदर फंसे रह गए थे, जहां हमको डॉग फूड खाना पड़ा और जब खाने को कुछ नहीं मिला तो हमने उस डॉग को ही मारकर खा लिया। शायद तुम वो भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि उस डॉग को मैंने अपने हाथों से मारा था और अगर हम यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। अगर हमें इस एपोकलिप्स में जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। मिकी बेन की बात को समझ जाता है और मान लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर बेन मिकी को डराते हुए कहता है कि तुम्हें अपने हेडफोन को इतना नहीं पहनना चाहिए, अगर किसी ज़ॉम्बी ने तुम पर पीछे से हमला कर दिया तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। इतने में ही मिकी बेन को वॉकी टॉकी में सेल डालकर चेक करने को कहता है, जिसमें से उसे बेन के अलावा एक लड़का और एक लड़की एनी की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मिकी उनसे कहता है कि हम दो लोग हैं और काफी समय से इधर घूम रहे हैं, हमने एक गाड़ी भी ढूंढ ली है। जिस पर वो वॉकी टॉकी वाला कहता है कि आइंदा इस लाइन पर कॉल मत करना। ये सुनकर मिकी उससे कहता है कि हमें सारे काम आते हैं, हम मछली भी पकड़ते हैं और खाना भी बनाते हैं, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ ले लो, यहाँ पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इस पर वो आदमी ये कहता है कि यहाँ तो पहले से ही काफी लोग हैं, मैं तुम्हें नहीं ले सकता और आइंदा मुझसे दोबारा बात मत करना। साथ ही वो आदमी एनी से भी यही कहता है कि अगर तुमने इन लोगों से दोबारा बात की तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अगले दिन मिकी फिर से उस वॉकी टॉकी में कहता है कि एनी मुझसे बात करो, जिसे देखकर बेन कहता है कि बस करो, कल से तुम उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो तुमसे बात नहीं कर रहे। जिस पर मिकी कहता है कि मैं इन लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगा, मुझको याद है उस आदमी ने कहा था कि यहाँ पर पहले से ही काफी लोग हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो यहीं किसी घर या फिर होटल में छुपे हो सकते हैं। अब ये दोनों रास्ते में पड़ने वाले हर घर और हर होटल को चेक करते हुए जाते हैं कि उनमें कोई है या फिर नहीं, जिनमें से एक घर का दरवाजा खोलने पर उसमें से दो ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर बेन मिकी पर गुस्सा करता है और उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद अगले दिन बेन एक झरने को देखकर उसमें नहाने चला जाता है।
इस दौरान मिकी कार में लेटा हुआ होता है, तभी एक जॉम्बी लड़की कार के खुले शीशे से हाथ डालकर मिकी को बुरी तरह से डरा देती है। वो तो ऐन मौके पर बेन आकर उस लड़की को मार देता है। बेन मिकी पर भी हंसता है क्योंकि वो कार के अंदर होते हुए भी एक जॉम्बी लड़की से डर गया। इसके बाद दोनों फिर से कभी किसी घर तो कभी किसी स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों एक खाली घर में चले जाते हैं, जहाँ मिकी कहता है कि वो ऐसे ही एक बड़े घर में रहना चाहता है। वो बेन से जिद करते हुए कहता है कि आज रात कुछ भी हो जाए, हम इसी घर में रुकेंगे। बेन उसकी बात मान लेता है और वो रात इसी घर में गुजारने की सोचते हैं। अब रात में मिकी सोने से पहले फिर से एक बार वॉकी टॉकी पर एनी से बात करता है। वो कहता है कि प्लीज मुझसे बात करो, और इस बार एनी उससे बात करती है। एनी की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। एनी मिकी से कहती है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा और वो मुझको यहाँ नहीं रहने देंगे, इसीलिए प्लीज मुझसे बात मत करो। इस दौरान बेन नीचे गाने सुनकर अकेले ही मजे कर रहा होता है। उसके पास एक गन भी होती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है, जहां बाहर उसको एक जॉम्बी रस्सी से बंधा हुआ मिलता है। वो उसको पकड़ लेता है और मिकी के रूम में छोड़ देता है और बाहर से उसके दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि मिकी बाहर ना आ सके। मिकी जोर जोर से दरवाजा खोलने को कहता है, पर बेन तो दरवाजा ही नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद जब वो दरवाजा खोलकर मिकी के रूम में जाता है तो वो मिकी को उस जॉम्बी के खून में पूरी तरह से रंगा हुआ पाता है और देखता है कि वो जॉम्बी भी नीचे मरा हुआ पड़ा है। बेन हंसते हुए मिकी से कहता है कि बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी का पहला जॉम्बी मार लिया है। बेन को हंसता हुआ देख वो समझ जाता है कि ये इसका ही मजाक था। मिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके चलते वो बेन को मारने लगता है, जिसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है। बेन भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। थोड़ी दूर चलते ही मिकी रोने लगता है और बेन को बताता है कि कल रात एनी ने मुझसे फिर से बात की। उसने कहा कि अगर वो मुझसे बात करेगी तो वो लोग उसको भी बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी। जिसके अगले दिन ये फिर से कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिन गुजारते हैं, जहाँ सड़क के बीचों बीच इनको एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। बेन उसमें से पेट्रोल निकालता है, जबकि मिकी उसकी बोनट पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, जहाँ मिकी को एहसास होता है कि वो बोनट अभी भी गर्म है, यानी कि इस कार को कोई अभी अभी यहाँ पर छोड़ कर गया है। मिकी बेन से कहता है कि शायद यहाँ पर कोई है बेन, इसीलिए वो लोग तेजी से चिल्लाकर पूछते कि क्या यहाँ पर कोई है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। बेन पहले गाड़ी से पेट्रोल निकालने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी पीछे से आकर मिकी की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिसको देखकर बेन हड़बड़ा जाता है और तुरंत ही अपने पॉकेट से गन निकाल लेता है, जिस पर वो आदमी बेन से कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। ये देखकर बेन उसको समझाते हुए कहता है कि हम सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। तुम्हें जहाँ भी जाना है हम तुम्हें छोड़ देंगे, प्लीज तुम चाकू नीचे कर लो। जिस पर वो आदमी कहता है कि उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा था, जिसके बाद मैं उनके चंगल में आ गया और उन्होंने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, इसीलिए अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से जल्द ही जाना होगा, वरना वो लोग मुझको मार देंगे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी गन नीचे फेंक दो और मुझको अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। मिकी की जान के बारे में सोचते हुए बेन अपनी गन को नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि चाबी तो गाड़ी के अंदर है। और जैसे ही वो आदमी मिकी को छोड़कर गाड़ी के अंदर जाकर देखता है तो बेन उससे कहता है कि चाबी मेरे पास है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेन उसको गोली मार देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। ये देखकर मिकी उसको बोलता है कि तुमने उसको क्यों मार दिया, वो तो हमारी तरह एक इंसान था और शायद अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। जिस पर बेन कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबको अपने साथ लेकर चलूँ, जबकि मुझको ये पता हो कि वो आदमी मुझे आज नहीं तो कल मार डालेगा। और याद रखना कि उसने तुमको मारने की कोशिश की थी। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। बेन उस गाड़ी की तरफ गन को तान देता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। उस गाड़ी में से एक लड़की और एक आदमी निकलता है, जिसके पास एक बड़ी गन होती है। वो लड़की उनसे आकर पूछती है कि इस कार को चलाने वाला आदमी कहाँ गया, जिस पर बेन बोलता है कि वो आदमी मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा था और उसने हमारी कार भी चुराने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसको मार डाला। ये सुनकर वो लड़की भी बोलती है कि उसने हमारी कार भी चुराने की कोशिश की थी, दरअसल ये कार हमारी है। इसके साथ वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या उस आदमी ने मरने से पहले तुमसे कुछ कहा था, जिस पर बेन बोलता है कि नहीं, उसने हमसे कुछ नहीं कहा,
वो बस बोल रहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम अपनी गाड़ी के लिए उसका पीछा कर रहे थे, तुमने उस आदमी को मारकर अच्छा किया। ये बोलकर वो लड़की और आदमी जाने ही वाले थे कि तभी मिकी उस लड़की से पूछता है कि तुम तो एनी हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन मिकी एक बार फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हारी आवाज वॉकी टॉकी पर सुनी है, मैं जानता हूँ कि तुम एनी हो। तभी वो लड़की अचानक से बेन के पैर पर गोली मार देती है, जहाँ हमको पता चलता है कि वो लड़की सच में एनी ही है और जो आदमी उसके साथ है वो वही है जिससे बात करते समय मिकी ने एनी को सुना था। एनी मिकी से कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे कभी बात करने की और मुझको ढूंढने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब इसकी सजा भुगतो। एनी इनकी गाड़ी की चाबी लेकर झाड़ियों में फेंक देती है और कहती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझको मजबूर कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिकी चाबी को ढूंढने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो चाबी को सुबह ढूंढने का फैसला करता है। वहीं बेन अब चल नहीं सकता था, इसलिए मिकी ने उसके साथ आज की रात यही कार में रुकने का प्लान बनाया है। दोनों कार में चले जाते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था, तभी इन्हें सामने कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। जैसे ये लाइट जलाकर देखते हैं तो सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनको देखकर मिकी काफी डर जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, जिस पर बेन कहता है कि मेरे पैर में गोली लगी है, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी जान बचाओ। जिस पर मिकी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। इतने में ही इनकी गाड़ी को ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसका अब ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ये बस सो जाते हैं। सुबह उठकर ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने अभी तक इनकी गाड़ी को घेर रखा है, जिनसे परेशान होकर बेन अब मिकी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उस लड़की के पीछे ना पड़े होते और उसको उसके नाम से ना बुलाते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मिकी अपनी गलती को मान लेता है, जिसके साथ वो बेन से कहता है कि तुम फिल्मों की तरह इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते क्या, जिस पर बेन कहता है कि ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसा करने से गाड़ी का कुछ न कुछ खराब हो जाता है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, हमें बाहर निकलकर उस चाबी को ढूंढना होगा। इन्हें इस गाड़ी के अंदर दो दिन बीत जाते हैं और अब इनका पानी भी खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों बाहर जाकर चाबी ढूंढने का प्लान बनाते हैं, जहां बेन मिकी से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम उस चाबी को ला सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। इसके बाद जैसे ही मिकी गाड़ी का सनरूफ खोलकर बाहर जाने वाला होता है, बेन उससे कहता है कि अगर किसी वजह से तुम्हें वो चाबी नहीं मिली तो वापस मत आना, अपनी जान बचाना और यहाँ से भाग जाना। जिस पर मिकी बोलता है कि मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मिकी के जाते ही बेन सनरूफ बंद कर देता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और बेन को अकेलेपन का एहसास होने लगता है। वो बहुत समय से मिकी के साथ ही रह रहा था, इसीलिए आज उसके ना होने से वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। काफी समय बीत जाता है, उसको लगता है कि मिकी शायद अभी भी चाबी ढूंढ रहा होगा। बेन को ऐसा भी लगता है कि कहीं मिकी उसे बाहर आवाज तो नहीं मार रहा। वो अपना समय गुजारने के लिए काफी सारी चीजें करता है, लेकिन फिर भी उसे मिकी की बहुत याद आ रही है। कहीं ना कहीं अब ये अकेलापन उसको काटने को दौड़ रहा था, लेकिन तभी बेन को उसकी आवाज आती है और वो फौरन सनरूफ को खोल देता है। मिकी को देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमको वो चाबी मिल गई, जिस पर मिकी रोते और घबराते हुए बेन को अपना हाथ दिखाता है, जिस पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। ये देखकर बेन को बहुत बड़ा शॉक लगता है, लेकिन वो भी रोते हुए अपनी गन मिकी पर तान देता है और उसको गाड़ी से बाहर जाने को कहता है, जिस पर मिकी उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझको बचा लो। इस बात पर बेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकता। इतना कहते ही ना चाहते हुए भी बेन मिकी को गोली से मार देता है। बेन मिकी को खोने से बहुत बड़े सदमे में था, इसीलिए वो गुस्से में वॉकी टॉकी को उठाता है और उस पर बोलता है कि मैं जानता हूँ एनी, तुम मुझे सुन रही हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मिकी मर चुका है, जिसके जिम्मेदार तुम हो। मैं और मिकी पिछले कई महीनों से एक साथ थे। हम 3 महीने तक ज़ॉम्बी से चारों तरफ से घिरे घर में थे, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल गए थे और आज तुम्हारी वजह से मैंने उसको खो दिया। अगर मैं आज किसी तरीके से यहाँ से बच गया ना, तो ये याद रखना कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। जिसके बाद बेन गाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तेज धूप होने की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके अगले ही पल हम बेन को रोड पर एक पैर से लंगड़ाकर चलते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं,
जिस सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये स्टोरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बेस्ट एग्जांपल है। अगर ऐसी कभी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले हमेशा अपनी जान बचाओ। लेकिन फिर उस ह्यूमैनिटी का क्या, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि अगर किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वेल, इस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।